जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 8 नवंबर मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्ट्राइको। आगर मक्सी बाईपास पर बसे तिरुपति सॉलिटियर के रहवासी ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या से परेशान है। मंगलवार को उन्होंने कॉलोनी में ही नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ट्रेचिंग ग्राउंड हटाने की मांग की। तिरुपति सॉलिटेयर में रहवासियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे दिन रात बदबू का सामना करेंगे। यह कॉलोनी बाईपास पर पुराने ट्रेचिंग ग्राउंड के पास बनी है और कचरा कलेक्शन सेंटर होने के कारण यहां दिन से लेकर रात तक बदबू आती रहती है। इससे परेशान रहवासियों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा और उन्होंने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महापौर मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने ट्रेचिंग ग्राउंड हटाने की मांग की। कॉलोनी की रहवासी विद्या सोनी ने बताया, भैया समस्या है कि ये पास में गंदगी है, ये टैंक ये क्या बना हुआ है और ये हाँ सैंडी टैंक, और इसमें है ना इधर से इतनी बदबू आती है कि हमारा बैठना हराम होता है। और जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग है, उनको सांस लेने में दिक्कत है, आँखों में जलन होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे रह नहीं पाते हैं। अभी हमने शिकायत नहीं करी पर अब हम पहले हमने कर चुके थे पर अब वापस से हम कर रहे हैं कि बहुत सारे वृद्धजन बीमार हो रहे हैं यहाँ पर। ज्योति त्रिवेदी ने बताया कि हमारे घर के तो बिल्कुल पास है ट्रेंचिंग ग्राउंड, इतनी आवाज आती है कि दिन भर दरवाजे खिड़की पैक रह के अंदर रहना पड़ता है और थोड़े से भी अगर बाहर निकलते हैं तो उल्टी आने जैसा होता है। मैं खुद इतनी 15 दिन से बीमार थी, अभी ठीक हुई, मेरा बच्चा बीमार है, हमारे घर में सब बीमार हो रहे हैं यहाँ से। और मुझे तो पता भी नहीं था बिल्डर ने यहाँ पे ये है, वरना मैं मकान भी नहीं लेती यहाँ। मुझे नहीं पता कॉलोनी वालों ने करी होगी, मैंने तो नहीं करी। हाँ करी होगी हाँ, पर इस बदबू से बहुत ज्यादा परेशान है, इतनी परेशान हूँ मैं तो, मैं तो दूसरी जगह मकान तका तक मैंने किराया से रह लेना पर यहाँ नहीं रहना, इतनी भयंकर बदबू आती है। बहरहाल अभी कॉलोनी वासियों ने कचरा कलेक्शन सेंटर के हटाने के लिए अभी किसी तरह का आवेदन नहीं दिया है, अब वह आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सेंटर हटता है या रहवासी यूं ही परेशान होते रहते हैं। शिप्रा तट पर एक महीने तक चलने वाले कार्तिक मेले का रंगारंग शुभारंभ हो गया। महापौर ने मेले की शुरुआत करते हुए वादा किया कि अगले साल से पहले दिन से ही मेला भव्य स्वरूप में रहेगा। विधायक पारस जैन, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक जोशी, निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह की उपस्थिति में शुभारंभ के मौके पर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप मालिकाओं को प्रज्वलित किया गया। विधायक पारस जैन ने कहा कि मेले में शहरवासियों की सुविधाओं के लिए पक्के सीमेंट के रोड बनाए गए हैं। यह मेला शहर की सांस्कृतिक पहचान एवं धरोहर है, ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों का होना अत्यावश्यक है। कार्यक्रम में पारस जैन ने संस्मरण भी साझा किए। कार्यक्रम का संचालन पार्षद श्रीमती नीलम कालरा ने किया। स्वागत भाषण श्रीमती आशिमा सेंगर ने दिया। आभार संस्कृति समिति के संयोजक गब्बर भाटी ने माना। मेले में श्री महाकाली काला मंडल ने तेजा जी की कथा का मंचन किया। उपस्थिति में मेले का शुभारंभ हुआ है और अभी वीर तेजाजी महाराज की कथा यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है। ये सारे श्रद्धालु वीर तेजाजी महाराज की कथा का श्रवण करेंगे और सवेरे स्नान करके हमारी भूमि माँ का स्नान करके मेले का शुभारंभ करके बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। इन श्रद्धालुओं के लिए हमारे नगर पालिका निगम द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। उनके ठहरने के लिए बढ़िया से पंडाल लगाया गया है, उनके पेयजल की व्यवस्था की गई है, उनके शौचालय आदि सब चीज़ों की हमने व्यवस्था की है। झूले लग जाएंगे कल सुबह स्टार्ट हो जाएंगे, अभी रात में भी लोग लगा रहे हैं, काम चल रहा है। मतलब झूले वालों को परमिशन दे दी गई है? परमिशन सबको दी है लेकिन इस बार थोड़ी व्यवस्थाओं में चेंज किया है। चंद्रग्रहण के सूतक के बीच कार्तिक पूर्णिमा पर नहान और दीपदान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। राम घाट और सिद्धवट घाट पर इस दौरान भीड़ रही। कार्तिक पूर्णिमा का अपना महत्व है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। इस पुण्य महीने में किए गए धर्म कर्म का विशेष महत्व रहता है। इसी कड़ी में मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग स्नान दान और दीपदान के लिए उज्जैन पहुंचे। भारी श्रद्धालुओं के कारण बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में भारी भीड़ रही। पंडित मुकेश शर्मा ने कार्तिक पूर्णिमा और चौदस के बारे में बताया। कार्तिक मास की महीने भर की पूर्णिमा रहती है। माता बहनों जो है ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ के आकर दीपदान देते हैं और आज के दिन अपने समस्त पितरों को जलदान और पिंडदान देते हैं।
आज के दिन पिंडदान देने से अपने पितरों को शांति की प्राप्ति होती है। इधर मंगलवार को आ रहे चंद्र ग्रहण से श्री महाकालेश्वर मंदिर बचा रहा। दक्षिण मुखी शिवलिंग होने से यहां रोजाना की तरह पूजन पाठ होता रहा। इस दौरान बाबा महाकाल को फलों का भोग भी लगाया गया। मंदिर में दर्शन चालू है और शाम को ज्योतिर्लिंग का स्पर्श नहीं हो सकेगा। इस संबंध में पंडित आशीष गुरु ने बताया, देखिए बाबा महाकाल का दरबार चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, मंदिर की जो परंपरागत व्यवस्था है उसी के अनुसार मंदिर की व्यवस्थाएं की जाती है। चंद्र ग्रहण के समय सायंकाल गर्भगृह के अंदर मूर्ति को स्पर्श नहीं होगा। दर्शनार्थी बाहर से दर्शन कर जा सकते हैं एवं भगवान की जो 11 बजे जो 10 बजे जो भोग लगता है बाबा को, वो सायंकाल ग्रहण समाप्ति के बाद में भगवान का शुद्धिकरण, मंदिर का शुद्धिकरण के बाद में लगाया जाएगा। चूँकि बाबा महाकाल का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर ग्रहण के समय भी मंदिर के पट खुले होते हैं और पुजारी लोग गर्भगृह में बैठकर राष्ट्र कल्याण के लिए जप करते हैं, तो इसलिए एक अपने आप में एक अनूठी परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। भक्त लोग भी यहाँ पर मंदिर परिसर में बैठकर जप कर सकते हैं, अपने गुरु अपने इष्ट के नाम की मालाएँ कर सकते हैं एवं ग्रहण के दौरान यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पर लोग आकर अपने जप पूजन कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर इंदौर रोड उज्जैन, या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। आज मंगलवार को साल का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसकी शुरुआत दोपहर 2:38 और 5 सेकंड पर होगी और मोक्ष शाम 6:19 और 2 सेकंड पर होगा। उज्जैन में 36 मिनट चंद्र ग्रहण दिखाई देगा जिसे शहरवासी कोरी आंखों या टेलीस्कोप से भी निहार सकेंगे। इधर सुबह से सूतक काल शुरू हो गया जिसके चलते कई मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। श्री मंगलनाथ और अंगारेश्वर मंदिर में भी पूजन एवं श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। यहां भात पूजा तथा अन्य सभी प्रकार के पूजन कार्य भी नहीं हुए। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया, वेधशाला में चंद्र ग्रहण को दिखाने की व्यवस्था रहेगी लेकिन ग्रहण काल 36 मिनट का होने और चंद्रमा को दृश्य स्थिति में पहुंचने में ग्रहण समाप्ति की स्थिति में होगा, इसलिए लोग घर पर रहकर ही ग्रहण देखें। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में ग्रहण का प्रारंभ 5:43 पर होगा। चंद्रमा का उदय ग्रहण लगी हुई स्थिति में ही होगा और 6:19 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार उज्जैन में ग्रहण की अवधि केवल 36 मिनट है। अब अगर हमको देखना है ग्रहण तो चंद्र ग्रहण हम नंगी आंखों से बहुत आसानी से देख सकते हैं, हम टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। तो वेधशाला में ग्रहण दिखाने की व्यवस्था रहेगी लेकिन अवधि बहुत कम है। जब चंद्र उदय होगा और चंद्रमा देखने की स्थिति तक आते आते समय काफ़ी हो जाएगा, लगभग हम 20-25 मिनट ही ग्रहण को देख पाएंगे। तो मेरा सुझाव ये होगा कि सभी लोग अपने घर पर ही इस ग्रहण को देखें और ग्रहण का जो अवधि है 5:43 से 6:19 के बीच ये रहेगी। इंदौर रोड और आगर रोड पर हुए 2 एक्सीडेंट में 2 लोग घायल हो गए हैं, दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला हादसा इंदौर रोड पर हुआ। भेरूगढ़ थाने के उटेसरा का निवासी जगदीश राजोरिया इंदौर रोड से घर की तरफ आ रहा था, इसी बीच उसकी बाइक को एक अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल जगदीश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर से आ रहा था मैं दो तरफ से, तो हमारे भैया जी मेरी पत्नी ने तीनों ये अपने सत्संग खाने दी उधर। दूसरा हादसा आगर रोड पर जेथल मोड़ पर हुआ। उज्जैन से जेथल जा रहे दूल्हे सिंह पिता भगवान सिंह की बाइक को पीछे से अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में दूल्हे सिंह घायल हो गया, उसके सिर और पैर में चोट आई है। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती दूल्हे सिंह ने बताया, पुलिस ने दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर लिया है। उज्जैन से जेथल जा रहा था,
घटना कहाँ पर हुई? जेठल का पास में। क्या हुआ था? इससे मोटरसाइकिल वाला घुस गया मेरी गाड़ी में। क्या कारण क्या हुआ था? क्या मालूम, मैं तो साइड में जा रहा था, वो नशा में था कुछ ऐसा लग रहा था। कैसे लाया गया? मेरे पेशर घुसा ना हुआ, बड़ा से आवाज आई, मैं गिर गया, मेरा ऊपर गाड़ी गिर गई। रुपयों के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में एक युवक को चाकू मार कर घायल कर दिया गया। चार युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयसिंहपुरा की ध्रुव कॉलोनी में रहने वाले सब्जी विक्रेता मिथुन माली ने जयसिंहपुरा में रहने वाले गोविंद चौधरी को 2 लाख रुपए दिए थे। 3 साल पहले दिए गए ये रुपए गोविंद नहीं लौटा रहा था, बल्कि वह हमेशा विवाद करता रहता था। मंगलवार की सुबह मिथुन बच्चों के लिए पटरी पार कर दूसरी तरफ नाश्ता लेने गया हुआ था। उसी दौरान उसे गोविंद, इंदर चौधरी भूरा और विजय बरगुंडा ने घेर लिया और चाकू से हमला बोल दिया। मिथुन के गले और पैर में चोट आई है, उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में मिथुन माली ने बताया, मैं पटली पर नाश्ता लेने गया था, उस दौरान 4 जनों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया एकदम। गोविंद माली, इंदर चौधरी और एक विजय बरगुंडा था और एक भूरा करके था। पैसा का लेन देन था, पैसा लेना था उनसे 2 लाख रुपए, नहीं दिए, पुरानी दुश्मनी थी उनसे। वही वो केस हुआ था 2019 में। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मंगलवार को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। पुराने शहर में घंटों तक जाम लगा रहा, जिसके चलते वाहन रेंगते रहे। यहाँ के लगभग हर सड़क पर केवल और केवल वाहन ही दिखाई दिए। यातायात विभाग का अमला भी नजर नहीं आया, जिसके चलते जाम में फंस कर चालक परेशान होते रहे। दरअसल सोमवार शाम कार्तिक मेले की शुरुआत हुई और मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा होने से बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु मां शिप्रा में स्नान करने पहुंच गए। सुबह से ही लगातार बढ़ती भीड़ के कारण कार्तिक मेला ग्राउंड के चारों ओर वाहनों का जाम लग गया। दोपहर तक स्थिति यह रही कि जूना सोमवारिया, मुल्लापुर रोड और महाकाल मंदिर के आसपास वाहन रेंगते रहे, जिसे जहां जगह मिली वह निकलने का प्रयास करता रहा। कुल मिलाकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा पर्व को देखते हुए कोई रूट प्लान तैयार नहीं किया गया था, जिसके कारण यह स्थिति बनी। प्रशासन की भूल का खामियाजा आम जनों को उठाना पड़ा। पाकीजा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, विमेंस, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहां। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीजा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता, पाकीजा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।